असल दोस्तों, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आपको पता मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि कल हमारा फैसला था, और खुशी के मारे कल मैंने वीडियो नहीं बनाया। आज है फ्राइडे, हफ्ते को हमारा फैसला था। तो दोस्तों, दस को ये था कि हमारे पैसे मिलने थे, उन्होंने स्टे किया हुआ था, अपील किया हुआ था, जिसकी वजह से हमें पैसे थोड़े मिले, वरना तो जानने का अगर ये चीज़ें ना तो मैं आपको वारंट दे देता। बेचारों ने उसके डर के मारे जल्दी जल्दी स्टे दे दिया, इतने डरते हैं हमसे। तो दोस्तों, आपको पता नहीं है, ये दुनिया बहुत गंदी है। वो कहते हैं हम झूठ मूठ बोल के ना, झूठ ज़्यादा अरसे नहीं चलता, कुछ अरसे चलता है, सच सच होता है, सामने आ जाता है। और जज का मतलब होता है जजमेंट करना, ठीक है ना? जज वो, उनके पास रोज 300-400 केस होती है, उनको तो बंदे का पता चल जाता है कौन झूठ बोला कौन सा। दोस्तों, ये लोग पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। ये कहते हैं आप झूठ मूठ बोल के ना इनके पैसे कम करवा देंगे, उनको ये नहीं पता उनका नुकसान हो रहा है, हमारा तो फायदा ही फायदा है। क्योंकि मुशर्रफ ने जो कानून जारी किया, उसमें औरत की सुनी जाती है, मर्द भी नहीं सुनी। मर्द ऐसे बेचारे खैर शरीफों पे तंग आता है, ऐसे घटियों पे मुझे तरस नहीं आता, शरीफों पे मुझे तरस आता है। बेचारे कुछ होते हैं ना, वो गुस्से होते हैं। दोस्तों, उन लोगों ने बड़ी कोशिश की है, उन लोगों ने पता नहीं क्या लिखा है, मैं आपको बताऊं। उन्होंने मेरे मामू, इसके मामू लंदन में रहते हैं, वो इनके घर नहीं आते। भाई ये कोई लिखवाने वाली बात है? तुम मेरे बारे में कहो, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे बहन भाइयों के बारे में कहो, माँ के, जिन्होंने मेरी जिम्मेदारी उठाई। इसके एक मामू डॉक्टर है, वो अलग रहते हैं, तो हर किसी की अपनी लाइफ है, उसकी जहाँ जॉब है वहाँ रहेंगे। एक मामू, और दूसरा उन्होंने कहा एक मामू इनके सीनियर डॉक्टर है, तो वो इनसे बात नहीं करती, वो अलग रहते हैं। ये कोई बात लिखने का है? मेरे वालिद गजट ऑफिसर हैं, डायरेक्टर हैं, तो मैं उनसे भी खर्चा लेता हूँ, मेरे अपने पैसे भी है। भाई फिर तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम फिर गरीब तो नहीं हो, फिर तो तुम हमारे पैसे दे सकते। ऐसे उल्टे उल्टे बेचारे ने सवाल किया। अल्लाह पहले लगाया हुआ था मेरे खाला लोगों पर इंसान, इसलिए इसने घर बर्बाद किया। फिर इनके वकील ने कहा फिर तुमने क्या किया है, घर तीसरे से जो दबा हुआ है, तुमने क्या किया, तुम्हारा क्या रोल था? अपना पता नहीं है दूसरों पर। ये दोस्तों, इनकी ना तरबियत ऐसी है, इनके घर में ना इनके जो वालदैन थे उनकी नहीं बनती थी, सीधी सी बात है। तो ये घर रह जाता था, ये और इसकी बहन नफसियाती है, तो ये ना घर रह जाता था। इसका भाई थोड़ा सा समझदार है, उसकी लोग भी तारीफ़ करते हैं, इनके ख़ानदान वाले भी तारीफ़ करते हैं। ये जो मेंटल है ना, इसको घर वालों ने बनाया हुआ था। कभी बाप माँ की सुन रहा था, कभी बाप की सुना, फिर बाप नफरत कर जाता, माँ इसकी तरबियत। इसलिए इसको जैसे इसका बाप दूसरों पे बातें डाल देता है, माँ दूसरे पे मैंने नहीं किया उसने किया है, किया खुद बात, ये भी ऐसे है दूसरों पे डाल देता है, इसने वो किया उसने, उनसे क्या वास्ता यार। फिर इसकी तरबियत ऐसी, इस बेचारे का कसूर नहीं है, इसने तरबियत जो ऐसी की, इसकी माँ ने इसकी तरबियत सही नहीं किया दोस्तों। मुझे ऐसी आ रही है, इतनी आ रही है, इतनी आ रही है। तो इतना झूठ बोल रहा था यार, मेरे मामू लोग हैं जहाँ रहे जिधर रहे, मैं जिम्मेदारी अपने बहन भाइयों की और माँ की, मेरी बेटी है माँ, बाप है नहीं, तो उनका क्या ताल्लुक है हमसे? यार है जिधर रहे, उनकी जॉब पे आकर उनकी वो वहीं रहेंगे, अलहदा घर, बड़े मामू का अपना घर है लंदन जो रहती है, अगर उनकी जॉब है तो मेरे मामू लंदन, तो मेरी खाला भी रहती है इंग्लैंड। दोस्तों, मेरी खाला भी इंग्लैंड में रहती है, सोते नहीं, मेरे कज़न भी सौतेली रहती है, खाला की बेटी अमेरिका में, तो रहते तो बहुत सारे लोग, लोग जॉब की वजह से, पढ़ाई की वजह से अपना फ्यूचर बनाने बाहर जाते हैं। वो आए ना आए, हम नहीं जा सकते, वो तो हमारे घर आ सकते हैं, और जब आएंगे मैं आपको बकायदा वीडियो भी बना के दिखाऊंगी, उनके घर भी जाके आपको वीडियो दिखाऊंगी। मेंटल को पता है उनके घर जाते हैं, इसका भी ले गए थे घर, इतनी इसकी औकात नहीं, हम उनके घर भी ले गए थे, इसके ख़ानदान में किसी का ऐसा घर नहीं हुआ जैसे मैं खाला का घर था। दोस्तों, इतने झूठ लिखे इस बंदे ने, इतने झूठ लिखे हैं, मैं मजदूर हूँ। भाई तुम मजदूर है प्रॉपर्टी के, टिलर के, तो वहाँ पे तू झाड़ू देता है, टाकी मारता है, स्वीपर है, कैसा मजदूर है बता, चाय ले आता है। अगर ये मजदूर है प्रॉपर्टी डीलर का, इसका इसके पास करोला गाड़ी है, इसके पास मार्बल वाला घर है, मजदूर है, ये घर तो रोटी पूरी होती, उनका तो घर भी नहीं होता।
और इसकी दुकान पे इसका नाम लिखा हुआ है, बकायदा फोन नंबर लिखे हुए है। तो ये क्या चीज है वैसे। वैसे मैं तो जज से यही गुजारिश करूंगी, मीडिया से भी, जज से भी, हुकूमत से इसका इलाज करवाए खुदा। अगर इसके पेरेंट्स, इसके बहन भाई कोई भी वीडियो देख रहा है या मेरा बेटा देख रहा है, इसका इलाज करो खुदा, इलाज करवा, अगली की भी जिंदगी तबाह करने वाला है। मुझे इतनी अच्छी कॉल से मैं खुशी के मारे पागल हो गई हूँ, क्योंकि इनका केस खारिज हो गया। इनकी डिमांड थी कि पैसे कम किए जाए, थोड़े दीजिए खर्चा। यार 7,000 मुकरर हुआ था, 7,000 अपनी बेटी को नहीं दे सकता ऐसे मर्द पे, ऐसे बाप पे लाना तो मेरे लिए यहाँ से। जिसकी मेरी एक मैडम है, इनका घर बिच बिकवाया इन लोगों ने 90 लाख का, 5 लाख इधर से लिया, जिनको ले दिया 5-10 लाख। अगर 10 लाख में बेटी को ये 10,000 या 7,000 देगा, कोई मौत नहीं आ जाएगी, हकदार है इसकी औलाद। और मुझे लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो आगे करें, ताकि लोगों को पता चले अदालतों में भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो लोग तो डांस देख रहे हैं, लोग ज़्यादातर डांस को फॉलो कर रहे हैं, लोग के देहाती लाइफ देख रहे हैं, लोगों मियाँ लोग अपनी बीवियाँ दिखा रहे हैं, अपना घर दिखा रहे हैं, हर किसी का अपना अपना वो है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है मैं तो वहीं दिखाऊँगी, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ। जहाँ जहाँ जाऊँगी वहाँ की वीडियो बना के दिखाऊँगी। आजकल मॉल में, शॉप में ज़्यादातर वीडियो नहीं बना दे रहे, तो मैं ज़्यादातर पार्क वगैरह, छोटी मोटी जगहों की चीज़ों की वीडियो बना रहा, वरना ज़्यादातर मेरे फोकस होता है घर में जो हो रहे थे, हालात हो रहे थे, तो वही मैं आपको बता देती हूँ। और ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। जब तक हमारा केस चलता रहेगा तो मैं आपको रोज़ सुनाती रहूँगी क्या हो रहा है, क्या रहा है। वहाँ की बाहर की मैंने बनाई है, कल मैंने डाली है वीडियो, के 2-3 दिन मैंने नहीं डाली, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, वहाँ से 3 बजे आ रही थी। तो कल मैं दोनों वीडियो अपलोड किए, कल फिर मैं खुशी के मारे कल वाली वीडियो नहीं अपलोड की, आज कर रही हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें कि आपके साथ क्या हालात हो रही है। मेरे साथ तो ये हालात अलग है, मैं खुल के जीती हूँ, मज़े नहीं हूँ। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएँ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। और कल देखते हैं, रानिया ने जिद किया हुआ है कि सुल्तानी पे चलना है, वहाँ पे आजकल वीडियो यहाँ बनाने नहीं देते, पता नहीं जाते हैं नहीं जाते, कंफर्म नहीं है। और दूसरी बात ये है, शायद हम दोपहर को चले जाएं, और वरना फिर हम लोग पार्क ही जाते हैं रोज़। मेरी बेटी को थोड़ा सा घूमने फिरने का शौक है, घर में अकेली हो जाती है ना, तो उसको मैं बाहर ले जाती हूँ। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताइए, अरे एकदम जो सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें और दुआ में याद रखें। और मुझे, मैं आपको, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।